हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बेहतर ढंग से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ DFCCIL के आंसर की के बारे में। DFCCIL की जो आंसर की है वो आपको कल यानी कि 5 अक्टूबर को आपको 10 बजे के बाद देखने के लिए मिल सकती है। लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूं। अभी वो कल आपका 10 बजे से एक्टिव हो जाएगा, आप आसानी से अपनी आंसर की देख सकते हैं। और कमेंट में मुझे आप अपने नंबर और अपनी कैटेगरी और अपना जो आपका एग्ज़ाम था वो लिखकर मुझे सेंड कर दीजिएगा, जिससे मैं एक कट ऑफ की वीडियो आपके लिए तैयार कर सकूँ, जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाए कि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो कट ऑफ से सूटेबल रहेंगे, कट ऑफ पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप DV के लिए जा पाएंगे या आप साइको टेस्ट के लिए जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ रहेगी, कितनी रह सकती है। देखिए, पिछली बार की जो कट ऑफ थी, अब की बार जो कट ऑफ थी, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार की कट ऑफ अलग थी, उसमें वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन कुछ पोस्टों के लिए वैकेंसी बहुत कम भी थी। तो हर साल की, हर वैकेंसी की, हर पोस्ट की कट ऑफ जो है वो कम होती या ज़्यादा होती रहती है। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पिछली बार आपकी जो कट ऑफ है वो 80 गई थी या 90 गई थी, तो इस बार आपका जो कॉम्पिटिशन लेवल है ज़्यादा है तो आपकी जो कट ऑफ है वो 100 पार चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ आपकी जो जाएगी वो एक नॉर्मल रेंज में ही जाएगी, क्योंकि आप सभी ने एग्ज़ाम दिया और आप सभी जानते हैं कि GK रीजनिंग मैथ जो आपके दिया था वो एक सामान्य था, लेकिन जो इन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड जो सवाल दिए थे वो काफ़ी अच्छे सवाल थे और उसके अंदर आपको सोचना पड़ रहा था कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ BD के बारे में, तो इन्होंने CRM के और DFCCIL के जो सवाल थे वो काफ़ी अच्छे सवाल दिए थे, उसके अंदर आप ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते थे। अगर आप रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल अपडेट से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। थैंक यू।